इसी तरह जो तीन लोग हैं जिन पे जो है रोज़ा, जिनको जो है रुख्सत दी गई, कौन? एक मुसाफिर, दूसरा बीमार और तीसरा एज और निफास वाली औरतें। यानी दो तो मर्दों के लिए जो मुसाफिर और बीमार, और तीसरा जो है औरतें के अंदर एक अमल और इसमें बढ़ जाता है हैज़ और निफास, इनको जो है इसके अंदर इसको छूट दी गई है। क्योंकि हम देखें एक सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 1946 के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि एक बार जो है एक शख्स लेटा हुआ था और उसके ऊपर लोगों ने चादर तानी हुई है, लोग उसको पंखा चल रहे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम पूछा कि ये क्या मसला है? तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लम ये मुसाफिर है और उसने रोज़ा रख लिया और जो है भूख की शिद्दत की वजह से, प्यास की शिद्दत की, इसको चक्कर आ गए, तो हम इस पर चादर तान कर छाया कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इसको हवा कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर है तो उसको क्या ज़रूरत थी ऐसा रोज़ा रखने की, और ऐसा रोज़ा रखना नेकी नहीं है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लम ने? तो यानी मुसाफिर, जैसे कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, पूरे महीने के रोज़े रखे जो कोई है, लेकिन जो बीमार हो, सफ़र पर हो, तो बाद में गिनती को पूरा करे। तो सब मुसाफिर है तो रोज़ा छोड़ सकता है, वो ईद के बाद फिर जो है इसके फिर वो रोज़ा रखेगा। इस तरह बीमार है तो बीमार के लिए भी यही इसी आयत में मिलता है कि जो बीमार है तो वो भी रोज़े छोड़ दें, और फिर तबीयत सही हो जाए तो वहाँ से फिर वो रोज़ा शुरू करें, बाकी जो बचे हुए हैं वो गिनती वो पूरे बाद में उसको पूरा कर लें। और इसी तरह जो है सफ़र में रोज़ा रख कर ये कि लोगों पर आप जो है एहसान नहीं कर रहे, तो होता क्या करते हैं लोग, कई लोगों ने रोज़ा नहीं रखा, चार लोग गए सफ़र पर, अब नहीं, दो ने रोज़ा रखा, दो ने नहीं रखा, तब वो क्या करते हैं, भाई हमारा सामान भी उठाओ, हम रोज़े पे, आप उठा के चलो, आपके रोज़ा ही नहीं है, पानी पियो और हमारा सामान भी ढो, तो ये ऐसा रोज़ा रखना नहीं कि नहीं, एहसान नहीं कर रहे आप उसके ऊपर, तो ऐसा कि आप जो इस तरह से आप ये करें तो ऐसा ये रोज़ा नेकी नहीं है, वही जो अल्लाह के रसूल कहा। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब वाले, सरकारी नौकरी है, तो वो बड़े जो हैं उसके अंदर वो जाते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, क्या इतना काम हमको फाइल पर आप दे जा रहे हैं, आप ये क्या हमको किए जा रहे हैं, और जो है चपरासी परेशान है, ओ साफ का रोज़ा है, फास्टिंग आ गई, अब इनसे ज़रा दूर रहना पड़ेगा, बार बार पर बिलखते हैं, वो काम नहीं करते, फिर लेट जाते हैं, फिर जल्दी वापस आ जाते हैं, तो फ्री की तनख्वाह लेना ये इस्लाम में हराम है। आप पूरा जो आपने काम किया, आपका रोज़े का अमल आपका है, आप उसको काम का नुकसान नहीं कर सकते, काम का नुकसान अल्लाह के आपको जो है बहुत सी इजाज़त दे दे, या जहाँ काम करते हैं तो वो जो भी आप जहाँ काम करते हैं तो आपका मालिक आपको इजाज़त दे, तो इस तरह से ये किया जा सकता है। तो ऐसा मशक्क़त वगैरह का जो मुसाफिर के लिए ये वो नहीं। इसी तरह जो है हम देखें कि मुसाफिर के लिए आता है कि सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 1116 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने देखा कि अल्लाह के रसूल बहुत दिगर जो साहबा एक बार जिहाद पर गए, और जिहाद पर जो है कई साहबा ने रोज़ा रखा और कई साहबा ने रोज़ा तोड़ लिया, तो किसी ने बुरा नहीं कहा, जिसने रखा तो उसको किसी ने नहीं कहा कि तुमने तो रोज़ा रख लिया, और किसी ने तोड़ लिया तो उसको उन्होंने बुरा नहीं बोला। तो लेकिन ये जो रोज़ा सफ़र में छूट जाता है इसकी जो है कज़ा करनी पड़ेगी, बाद में इसको रखना पड़ेगा। बीमार है तो बीमारी के अंदर अगर ज़्यादा ही ऐसा बीमार है जिसकी वजह से और ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो सकती है, बीमार हो सकता है, तो वो जो है इस रोज़े को छोड़ सकता है, वो फिर बाद में इसको जो है पूरा करे बाद में। अगर या फिर बीमार है, थोड़ा उसको लग रहा था सुबह कि नहीं इतना तो चल जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, अभी गोली खा लूँगा मैं, हो जाएगा, लेकिन उसने रोज़ा रख लिया, अब जो है इससे बाद में नहीं हो रहा है, बीमारी शिद्दत बढ़ गई, तो रोज़ा तोड़ भी सकता है, जैसे शिद्दत की वजह से सफ़र में उन्होंने रोज़ा तोड़ा तो इससे रोज़ा तोड़ भी सकता है। या अब ऐसा कोई शख्स है कि जिसको जो लाइलाज बीमारी है, जैसे शुगर हो गई, अब ऐसा है कि बार बार उसको खाना पड़ता है, नहीं तो शुगर उसका जो डाउन हो जाता है या हाई हो जाता है, या ब्लड प्रेशर, या ऐसा मर्ज जो ठीक नहीं हो सकता है, या ऐसे बुजुर्ग लोग हैं मर्द या औरत कि जो जिनको इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं, तो उनको भी जो है इसके अंदर बीमारी के अंदर ही काउंट किया जाएगा, और उनको या लाइलाज बीमारी जिसका जो है इलाज नहीं है, तो उसके अंदर भी वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। और इसके अंदर आदमी ये कि उसकी बीमारी है उसको मालूम है उसकी क्या बीमारी कितनी शिद्दत है, तो वो उसके अंदर जो है उसके दिल की बात, भाभी से मेरे को फला बीमारी इसलिए नहीं रखता हूँ भाई, वो रख सकता है, उसको मालूम है, उसको खुद को पता है, अपने अपने जिस्म के हिसाब से आदमी खुद जानता है, तो उसको लोगों को जवाब नहीं देना है कि भाई रोज़ा इसलिए नहीं रखता हूँ, रोज़ा इसलिए नहीं रखता हूँ, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह जानता है तुम्हारी ताकत कितनी तुम्हारे पास में, तुम रख सकते हो कि नहीं, तो अल्लाह को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना है। क्योंकि अगर आप बिला वजह आप रख सकते थे और आपने अगर उसे छोड़ दिया, तो अगर एक रोज़ा रमज़ान का किसी ने छोड़ दिया,
तो वो पूरी ज़िंदगी भी उसकी बची हुई है, तब तक भी वो रोज़ पूरे रोज़ नफिल रोज़े भी रखे तो वो एक रमज़ान के छोड़े हुए रोज़े की बराबर नेकी नहीं कमा सकता है, इतना जो है इसका नुकसान इसके अंदर होगा। तो हमेशा ये कि बीमारी वाले शख्स के लिए है कि वो रोज़ा ना रखे, वो रोज़ा फिर क्या, रोज़े के बदले में एक मिस्किन को खाना खिला दे, एक मिस्किन को खाना खिला दे। और इसी तरह जो है तीसरा जो है खातिन के ताल्लुक से है, जो निफास वाली औरतें ये भी रोज़ा जो है छोड़ सकती हैं। और इसकी जो रिवायत मिलती है सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 304 कि हाइजा के अल्लाह के रसूल हाइजा औरतों को रोज़ा रखने और नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे, उनको कहते थे तुम्हारे लिए ये नहीं है। लेकिन नमाज तो वापस उसको नहीं दोहराना है, नमाज की कोई कज़ा नहीं, लेकिन रोज़े की कज़ा है, रोज़ा उसको बाद में रखना पड़ेगा। तो हेज निवास वाली खातों ने जो बाद में इसको करें, हामला या रजात वाली औरतें जो हामला है यानी प्रेग्नेंट है तो वो भी अगर इसमें कि अभी जो है उनके महीने करीब आ गए हैं, अब वो नहीं रह पाएंगी कि अब जो इनको खाना पड़ेगा, उसके अंदर मसला है, कमजोरी आ सकती है, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर अगर कहे कि नहीं तुम सेहतमंद हो तो वो रख सकती हैं, नहीं तो फिर वो भी इसको छोड़ सकती हैं और फिर जब डिलीवरी के बाद में उसके बाद में फिर इसकी कज़ा वो पूरी कर सकती है। इसी तरह रजात वाली औरतें कि अभी अभी बच्चा उनका जो है अभी डिलीवरी हुई रमज़ान के कुछ वक्त पहले तो उनको दूध की ज़रूरत है, बच्चा को अगर दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा बीमार पड़ सकता है, कमज़ोर हो सकता है, तो वो भी इसको छोड़ सकती है, बाद में इसको पूरा कर सकती है। और ये जो इसके ताल्लुक से मिलता है सुनन निसाई की रिवायत हदीस नंबर 2315 अनस रजी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुसाफिर पर और हामला औरत पर और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा बाद में रखने की इजाज़त दी है। अल्लाह के रसूल सल्लम उनको जो है और अल्लाह ने फरमाया तो इनको जो है बाद में उनको छूट दी गई है। हाँ, इसके अंदर एक मसला आता है कि एक जो औरतें जिनको जो हेज नहीं होता, निफास भी नहीं होता, हेज क्या जो हर महीने आता है वो, और निफास क्या है जब डिलीवरी के बाद में जब जचकी के अंदर जो गंदगी रहती है उसको निफास कहा जाता है। एक मसला ये आता है कि जो ख़राब खून जिसको जो है तम मुख्तलिफ बीमारियाँ हम कहते हैं कि बीमारी की वजह से खून निकलता है या जो है उसके अंदर सफ़ेद पानी वगैरह जो इस तरह की कुछ बीमारियाँ उसको कहते हैं, जो भी बीमारी होती है, अब ये जो हेज नहीं है निफास नहीं है और ये हो जाए तो क्या उस औरत का उस ख्वातीन का रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा? तो उस पर रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हेज निफास नहीं है तो अपने रोज़े को मुकम्मल करे, उससे रोज़ा उसका ख़राब नहीं होता है तो रोज़ा वो दुरुस्त है। इसी तरह जो उलमा कहते हैं हामला और रजात वाली जो औरतें हैं, ऐसा मसला इसके अंदर आता है कि जो औरतें ऐसी हैं कि एक रमज़ान आया, रमज़ान से पहले उनके जो है जचगी हुई, बच्चा हो गया, बच्चा हुआ और अब वो उसकी वजह से उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, पूरे रोज़े चले गए। अब दूसरा रमज़ान आया तो बच्चे की रजात का यानी बच्चों को दूध पिलाने का, 2 साल तक दूध पिलाना कुरान में अल्लाह ने कहा कि बच्चों को औरतें 2 साल तक दूध पिलाएँ, तो अगर ये दूसरे साल में हुआ कि वो दूध पिलाने का मसला था और फिर तीसरा साल आया तो फिर वापस से वो फिर से हमला हो गई, फिर वापस रजात का वक्त आ गया, अब उसके रोज़े बहुत सारे जमा हो जाएंगे। तो उलमा कहते हैं कि अगर ऐसा मसला किसी औरत के साथ में है तो वो क्या करे, वो भी एक मिस्किन को खाना खिला दे, एक मिस्किन को जैसा वो खाते हैं वैसा वो खाना उसको खिला सकती है। ये जो है दार कुतनी की रिवायत है हदीस नंबर 4434। तो हामला औरतें इसमें ज़बरदस्ती रोज़ा भी ना रखें, नहीं नहीं मैं तो रोज़ा रखूँगी और जो है उनके तो ऐसा भी नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, डॉक्टर से पूछ लें, अगर डॉक्टर इजाज़त दे तो रख सकती है, नहीं तो फिर वो उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती ना रखें, कि इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इंसान की जान की कीमत है, अहमियत इस्लाम के अंदर बताई गई, तो अपने आप को जो है नुकसान पहुँचा के भी रोज़ा नहीं उसको वो नहीं करना चाहिए।